चलो बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी के क्लास सिक्स बुक का जो मैथ सॉल्यूशन उसके ऊपर। तो जिस तरह से तुमको और जो बुक है, आर्य चक्रवाल स्प्लेंडेड का है और भारती भवन का जो शुभम के नाम से आता है, तुम सबका सॉल्यूशन देखोगे तुम लोग एनसीईआरटी का भी देख लो। तो यदि एनसीईआरटी का पहला बार देख रहे हो तो तुम सबका देखना है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तुमको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाना चाहिए। चलो तो हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। ठीक है, तो 1.1 में देखते हैं कि हमको कह क्या रहा है। चलो भाई, क्वेश्चन है कि 1 लाख में कितना 10,000 होता है। ठीक है, दे दिया। 1 मिलियन में कितना लाख होता है बाबू? तुम लोग यदि शुरू के क्वेश्चन देखोगे तो तुमको बताया था कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख होता है। 1 करोड़ में कितना मिलियन हो जाएगा, हम सिंपल निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि 10 लाख में 1 मिलियन है, ठीक है, 10 लाख में कितना है, 1 मिलियन है, तो 1 लाख में कितना मिलियन हो जाएगा, 1/10 मिलियन। 1 करोड़ में कितना लाख होता है, 100 लाख में होता है, तो 1/10 100, यानी 10 मिलियन ना, 10 मिलियन। अब 1 करोड़ में कितना 10 लाख हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, 10 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि 100 करोड़, 100 लाख में 1 करोड़ ना, 10 लाख। 1 लाख में कितना 10 10 हजार, 10 10 हजार। 1 मिलियन में कितना, 1,000। तो 1 मिलियन 10 लाख को ना कहते हैं बाबू, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो 1 लाख में कितना 1,000 हो जाता है, सोच के देख लो, ऐसे देख लो ना। 1,000 को हम ऐसे लिखते हैं, लाख में क्या होता है, 2 जीरो ना बढ़ जाता है। ठीक है, लाख में क्या हो जाता है, 2 जीरो बढ़ जाता है, और 10 लाख में क्या बढ़ जाता है, 3 जीरो बढ़ जाता है। तो 3 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, 1,000 ना, तो 1 मिलियन में कितना 1,000 हो जाएगा, 1,000 1,000। ठीक है, देख लो, 10 लाख हम लिखे ना, 10 लाख में लिखे, 10 लाख में क्या हो जा रहा है, 1,000 तो पहले होगा, उसमें कितना जीरो बैठ रहा है, 1,000 में 10, 1,000 को 10 लाख बनाने के लिए कितना जीरो बैठा है, 3 जीरो ना, तो 3 जीरो का मतलब। ठीक है, चलो अब हम लोग मिलते हैं। चलो तो क्या है निकालना हमको, चलो तो एक क्वेश्चन तुमको छूट गया था, कौन क्वेश्चन छूट गया था बाबू, 1 मिलियन में कितना 100 हजार होता है, तो हम इसको देख लेते हैं, 1 मिलियन में कितना 100 हजार होगा। तो ध्यान दे दो बाबू, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख ना, 10 लाख, 10/5 जीरो ना, 3 2 5 जीरो। तो अब हम देख लेते हैं, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 100 हजार कर रहा है, तो पहले 100 लिख लो, हजार का मतलब 3 जीरो ना, 3 जीरो, तो देख लो, 3 2 5, यहाँ पर कितना जीरो है, 3 2 5 है, 1 6 जीरो, 1 जीरो एक्स्ट्रा ना है, तो 1 जीरो बैठाने के लिए, यानी ये जो है इससे कितना बड़ा है, यदि इस पर 1 जीरो बैठा दे तो दोनों इक्वल हो गया ना बाबू, 1 जीरो बैठाए यानी कितना से गुना किए, 10 से गुना किए हैं, यानी 1 मिलियन में कितना हो, 100 हजार हो जाएगा, 10 100 हजार। ठीक है, चल आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। ठीक है, तो पहले तो संख्यांकों को लिखना है, तो क्या करें, 73,75,307। तो हम लिखने का एक थोड़ा सा तरीका है, तरीका क्या होता है कि जो नंबर दिया सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 73 दे दिया, 73 लाख ना कर रहा है तो हम 73 पहले लिख लेते हैं, फिर 75 हजार ना कर रहा है तो हम 75 लिख लेते हैं, और फिर 307 ना कर रहा है तो 307 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि सही लिखा हुआ है कि नहीं, देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, ये हो गया ना, ये सही हो गया, तो सही हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, तुमको नहीं आएगा, जिसमें नहीं आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। बी में क्या करेंगे, 9,05,41, तो 9 करोड़, तो 9, फिर 5 लाख ना, तो 5, और फिर लाख के बाद फिर 41 ना, 41। अब गिनो तो, ये कहाँ ही दहाई सैकड़ा हजार ही आ रहा है, हमको क्या चाहिए था, 9 करोड़ ना, 5 लाख, 41। अब देखते हैं कि हम जीरो कैसे बैठाएंगे, तो सोच लो बाबू, 9 करोड़,
9 करोड़ अगर तुम खाली लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ध्यान से लिखो, कितना जीरो हो गया? 3 3 6, 1 8 91, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। एक जीरो और ना, अब गिनो, 91, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 9 के बाद कितना डिजिट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ रहा है। तो 9 के बाद कितना डिजिट आ रहा है करोड़ के लिए? 7 डिजिट। ठीक है, यहाँ पर कितना डिजिट है? 9 के बाद मात्र 3 डिजिट है। 3 ही डिजिट नहीं बाबू, तो हमको 9 के बाद 7 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला नंबर। 9 करोड़ के बाद क्या है? 5 लाख ना, तो 5 लाख को लिखते हैं। 5 लाख को लिखो तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख। 5 लाख लिखा गया, तब यानी इसमें क्या है? लाख में 5 के बाद कितना रहना चाहिए? 5 गुना नंबर। यहाँ पर 5 के बाद कितना नंबर है? सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, अब लाख के बाद कोई नंबर है बाबू? 41 ही है, तो 41 ही लिखते। तो अब यानी अब हमको 0 बिठाना है, तो 0 हम कैसे बिठाएंगे? तो पहले तो हम 9 लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 5 से 41 के बीच में हमको क्या चाहिए? यहाँ पर देख लो, 5 के बाद लाख के लिए कितना चाहिए? 5 डिजिट ना, यहाँ पर मात्र 2 डिजिट है। तो 3 को 0 बिठा देंगे ना, तो 5 के बाद हम 3 0 बिठा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 लाख 41 हो गया। अब हमको क्या चाहिए था? 9 करोड़। तो 9 करोड़ के बाद, 9 के बाद 7 डिजिट ना चाहिए। तो 9 के बाद 7 डिजिट है देखो, तो 9 के बाद कितना है? 1 3 2 5 1 6 डिजिट ना है, तो 1 को 0 और बैठा देंगे। ठीक है, तो ये नंबर तुमको हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख। ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, तो एकदम प्रोसेस से चलना है। कैसे 0 में बिठाए से देखा ना, कैसे बिठाए? सबसे पहले तो जो नंबर था उसको लिख लिया, फिर देखिए लाख है ना, तो सबसे पीछे से हम चलते हैं। तो लाख पर हम देखें तो लाख पर 5 डिजिट ना आता है, तो 5 डिजिट लाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ा? 3 को 0 करना, तो 3 को 0 इसमें बिठा देते। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्या करें? 7 करोड़ 52 लाख। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, 7 करोड़ ना 52 लाख ना 21,302 ना 21,300। गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, 7 लाख, सॉरी, 7 करोड़ 52 लाख 21,302 हो गया। कहने कोई कोई हो जाएगा, कोई कोई नहीं होगा। डी पर देखते हैं, 58 मिलियन, 58 मिलियन कह रहा है, ध्यान से देखना। तो 1 मिलियन में हम अभी देखे थे, 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। 58 मिलियन में कितना हो जाएगा? 580 लाख हो जाएगा। तो 580 लाख को तुम क्या कहते हो बाबू? 5 करोड़ ना और 80 लाख। ठीक है, तो 58 मिलियन नहीं है, क्या है? 5 करोड़ 80 लाख ना है, तो 5 करोड़ के बाद 80 लाख ना, तो 80 लाख। अब देख लेते हैं, 5 करोड़ 80 लाख, 423 ना, अच्छा 423 हजार है, 202 है और फंसा रहा है तुमको। ध्यान से सोच करके एकदम बनाना बाबू, गड़बाना नहीं, पहले तो पेन चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 423 हजार, 423 हजार, हजार का मतलब 3 0 ना, तो 3 0 बिठा दिए। तो 423 हजार है, कितना है? इसको अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 लाख 23 हजार ना है, यह क्या है? 4 लाख 23 हजार है। अब ध्यान से देखो, तो 5 करोड़ 80 लाख और 4 लाख 23 हजार, तो जोड़ देंगे ना सब, जो है जो एक तरह से जुटता ही है ना। तो 5 करोड़ 80 लाख को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 84 लाख ना। तो इस नंबर को हम पूरा प्रेम पूर्वक अपने से फिर से लिखो, तो क्या हो जाएगा? 5 करोड़ 80 चार 84 लाख ना, 84 लाख, और 23 हजार ना, 23 हजार, 202 ना, 202। 5 करोड़ 80 ना, नहीं ना बाबू, 84 ना, 84। तो 5 करोड़ 84 लाख। अब उसके बाद क्या? 23,202। गिनती करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ हो गया। 5 करोड़ 84 लाख, 23,202। अब आ जाते हैं ई के ऊपर। ई क्या कर रहा है? 23,30,010।
23 लाख ना, फिर 30 हजार ना, और 10। देख लो यही था। तो ध्यान से देखो, 30,010, ये 30,010 नहीं है बाबू, ये 10 तो है। देख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हमको 30 लाख चाहिए था। तो 30,000 नहीं है, ध्यान से देखो। 30,000, 30,000 कहने का मतलब क्या हुआ? 30 के बाद 3 जीरो ना, तो 30 के बाद यहाँ पर दो ही डिजिट ना है, तो एक डिजिट बैठाना पड़ेगा ना, तो एक डिजिट। अब ये क्या हो गया, 30,010 हो गया, 23 लाख, 30,010 ना, लाख में क्या चाहिए, 5 जीरो ना, 5 गो डिजिट ना, तो 3 दो 5 डिजिट है ना, यानी 23 लाख। एकदम तो प्रोसेस वाइज चलोगे तो एकदम आसानी से बनेगा, यदि विदाउट प्रोसेस चलेगा तो फिर बनना बनाने में क्या हो जाएगी, मुश्किल होगा तुमको। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगा लिए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति, तो अल्प विराम लगाना है और संख्यांकन पद्धति में लिखना है। सबसे पहले तो नंबर साइड कर लेते हैं। नंबर क्या है, 8 7 5 9 5 7 6 2। तब नंबर कैसे बिठाते हैं बाबू, उस पर हम गौर फरमा लेते हैं। तो नंबर जो है यानी अल्प विराम लगाते हैं, सबसे पहले पीछे से चलते हैं। ऐसे तो प्रोसेस होता है कि करोड़ वाला अलग लिखाएगा, लाख वाला अलग लिखाएगा, हजार वाला अलग लिखाएगा, ऐसे प्रोसेस होता है। मगर एक और चीज है कि हम पीछे से यदि चले तो सबसे पहले 3 के बाद कौमा दे देते हैं, तो 3 के बाद कौमा दे देते हैं, ठीक है, 3 गो के बाद, और फिर बाद में फिर काम देते हैं दो 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 के बाद, तो दो 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 के बाद देते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा, 8 75 95 762। अब इसको कर दो, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ ना, इसको क्या लिखोगे, 8 करोड़, 75 लाख ना, 75 लाख, 95 हजार ना, 95 हजार, 762 ना, 7 और 62। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर क्या है, 8 है 54 है 62 है 83 है, ठीक है। तो 3 गो के बाद नौकोमा और फिर 2 गो के बाद नौकोमा, ऐसे। तो इसको हम क्या इस कैसे लिख देंगे, तो सबसे पहले तो 2 8 3 लिख देते हैं, फिर कौमा, फिर 4 और 6 ना, फिर कौमा, 8 और 5, ये क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ना, ठीक है, 50। देखो क्या 85 लाख, और क्या हो जाएगा, 85 लाख के बाद ये 46 है, तो 46,000, 85 लाख, 46,283 ना, 283, ठीक है, चलो। और नंबर है, और नंबर क्या है, कलर चेंज कर लो, ये तो काम गड़बड़ आ जाएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर ही, नंबर कितना है, 999 है, फिर है 000 है, फिर 486 है, तो कॉमा कैसे बढ़ता है, 3 को सबसे पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ऐसे न सच के लिखता है 9 फिर 9 फिर 3 कॉमा 4 6 मतलब 2 कॉमा ना, यस, गिनती कर लो, ये 2 जीरो के बाद कॉमा है, 0 4 6 एक साथ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 99 लाख, और सब है 0 हजार न है, तो इसको 99 लाख, इसको कोई वैल्यू नहीं है, 46 न है, 46। चल अगला एक बच गया है,
अगला क्या है, 9 8 4 3 2 7 0 1। तो सबसे पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000, लाख 10 लाख, करोड़ ना, इसको लिख दो 9 करोड़। अब करोड़ फिर 84 लाख ना, 84 लाख 32 हजार 701, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोग को नियम समझ गए हो कि कैसे इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। नियम समझ गए तो बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं।